है बच्चों के पेरेंट्स की वीडियो, इसमें जो आपको SRD मेल दिख रहा है वो। सो भाई, जैसे आपने बताया कि मैं ये ग्रूमिंग करता हूँ, जरा हमें, हमारे सब्सक्राइबर्स को और मुझे भी जरा प्रोसेसिंग बता सकते हैं? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप देख रहे थे, मैं आज आया हूँ एक फ्लोरन रेजर और ग्रूमर। मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि वो जो बंदा है ये है, वो फ्लोरन को रेस करता है और सेल आउट करता है, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में सेल करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बेबीज है, वो बेबी से इस वेरिएंट तक लाने के लिए इसको कितनी मेहनत लगती है, आप अभी हम पूछने वाले हैं। सो भाई, मुझे आप बता सकते हैं ये कौन सा फ्लावर ऑन है? बहुत खूबसूरत लग रहा है भैया। ओके, मतलब ये जो पूरा जो बैच है वो पूरा है उसका ही है क्या? सब एक ही बैच का। ओके, अगर आपको यहाँ पे आना रहेगा, मैं इसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत खूबसूरत खूबसूरत है, और भाई बहुत एग्रेसिव पीस है। पल्स देखो उसके, आप देख सकते हैं उसके जो पल्स है, बहुत खूबसूरत तरीके से जो पल्स है, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है भाई। उसको पर्सनल टैंग दोगे ना, और हेड आप देख सकते हैं, जैसे कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। ये जो कलर है, इसके पैटर्न्स भी बहुत खूबसूरत है भाई। ये कौन सा पीस है? SRD। ओके, विदाउट हीटर है। आप देख सकते, जैसे कि देख सकते हैं, ये भाई ने विदाउट हीटर रखा है, एक भी टैंक में विदाउट हीटर है ये। इतना हेड इसने ग्रूमिंग किया है, अगर आप हीटर दे देंगे तो और हेड ग्रूम कर सकते हैं ना भाई। यस यस, पर्सनल टाकी मिलेगा ना, और हीटर और हेडपॉप करेगा वो अच्छे से। पेरेंट्स की वीडियो, इसमें जो आपको SRD मेल दिख रहा है वो थाईलैंड का 40° मिक्स मेल है, और जो आप फीमेल देख रहे हैं वो ग्राफिक फार्म की फीमेल है। इसलिए जो आप बच्चों का ग्रोथ देख रहे हो इतनी छोटी साइज में, हेडपॉप पल्सरेशन, वो उसके वजह से है। ये कौन सा पीस है भाई? वही है, वही ब्रीड का है, लेकिन वो जाएगा मैग्मा में शायद। उसका पल्स देखो, शाइन बहुत खूबसूरत जैसा हुआ है। पैटर्न जैसे आप देख सकते हैं, इसका जो हेड है बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। ये जो हेड है, ऑसम हेड है भाई इसका। और उसका जो मार्किंग आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है मार्किंग। ये भाई बोल रहे थे कि ये फीमेल है, वो एग ले कर रही है। मैं कुछ शौक हो गया, क्योंकि ये बहुत छोटी सी बेबी है, वो उसने किया ले हुआ था। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये। सो भाई, जैसे आपने बताया कि मैं ये ग्रूमिंग करता हूँ, जरा हमें, हमारे सब्सक्राइबर्स को और मुझे भी जरा प्रोसेसिंग बता सकते हैं? जो छोटा बेबी देख रहे हो ना, इसके पल्स वगैरह देखो। इनको इस टाके में शिफ्ट करने के बाद कम से कम 1 से 1.5 महीना जाता है उनको हेडपॉप आने के लिए। ओके, इसमें कम्युनिटी टैंक में एक दूसरे को मारते रहते हैं वो लोग। इधर डालने के बाद उनको है ना, एक दूसरे को देखते हुए अकेला डालने के बाद हेडपॉप अच्छे से खोलते हैं। ओके, सर हीटर वीटर सब डाला है मैंने। ओके, साइपनिंग वगैरह होती है हफ्ते में 1-2 बार। इसलिए इसका वाटर देखो और उसका वाटर देखो। अच्छा, आप डिफरेंस देख सकते हो। एक्स्ट्रा क्लियर, ये एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास है। ओके, पीछे भी मेरे फ्लोर में देख सकते हो, आगे भी है पीछे भी है। अच्छा, 2 फ्लोर है। ओके, आगे पीछे फ्लोर का कैसे, हफ्ते में 1-2 बार साइपनिंग करोगे ना तो आपका पीस एकदम हेल्दी और अच्छा रहेगा। ओके, और भाई आप खाने में क्या क्या डालते हैं? खाने में मेरे पास मैं ब्लड वॉर्म लाए हैं, तो लाइव ब्लड वॉर्म, लाइव ब्लड वॉर्म, और हम पेड़। ओके, ड्राई में वही दो यूज़ करता हूँ, हम बैठे। ओके,